Before that, as usual a small request who are not a subscriber channel, please subscribe so that you will get more useful, more helpful content and you will be first a viewer of my uploads. Click like button, press bell icon, share the friends and ladies so that it will be helpful to them also. Come on without wasting time. Let us see beautiful story teen Bachche. Actually this story is about three children, how their life get ends in the streets without parents love and care. दट सी नाव सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904 15 फरवरी 1948 दिस इज हर बर्थ डेट सोलह सिक्सटीन अगस्त 1904 नॉट फोर इज हर बर्थ डेट फिफ्टीन फरवरी 1948 फोर्टी एट हर डेथ मंथ एंड ईयर डे मंथ एंड ईयर दिस बर्थ एंड दिस डेथ सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान इज वेरी वेरी फेमस पोएटिस एंड राइटर्स इन हिंदी लिटरेचर झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी इज हर फेमस पोएम राष्ट्रीय चेतना की एक सदग कवयत्री है शी इज कॉन्शियस पर्टिस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस आप स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल गए शी वेंट मेनी टाइम्स टू जेल डूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जेल में अपने अनुभवों को अपनी कहानियों में भी व्यक्त किया शी एक्सप्रेस हर जेल एक्सपीरियंसेस लेखिका के बच्चों ने घर की कैरियो में फूलों के पौधे लगाए थे बेड्स ऑफ देयर होम थोड़ी दिन बाद कैरियो में फूल खिल आए आफ्टर फ्यू डेज फ्लावर ब्लून इन द फ्लावर बेड्स बच्चे आपस में झगड़ने लगे कि अपने अपनी क्यारियों के ही सबसे सुंदर हैं देन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग फाइटिंग ई अदर, टेलिंग दैट रेस्पेक्ट फ्लावर बर्ड्स फ्लावर्स वर मोस्ट ब्यूटिफुल लेखिका ने बच्चों की लड़ाई को न्यायपूर्वक समाप्त किया समो टाइट्रस मैनेज एंड एंडेड देयर फाइट जस्टली

रन टुवार्ड्स डोर बाहर आकर देखा तो तीन बच्चे थे वेन दे केम आउट दे सा थ्री चिल्ड्रंस रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम उनके कपड़े फटे पुराने थे देयर क्लोथ्स वारोल्ड उन्होंने बताया कि वे भूखे हैं दे टोल्ड देवर हंगरी लेखिका अपने बच्चों से उन्हें दो दो पूरियां लाकर देने को कहकर अंदर चली गई द दस टोल्ड हर चिल्ड्रन टू ब्रिंग एंड गिव टू टू पूरीस टू बेगिंग चिल्ड्रन एंड वेंट इन साइड बच्चों ने उन्हें पेट भर पूरिया खिलाई बट द किड्स फेड दम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पूरीस दूसरे दिन जब वे लोग चाय पी रहे थे उन बच्चों की टोली फिर आ पहुंची द वेरी नेक्स्ट डे वस एंड हर चिल्ड्रन व ड्रिंकिंग टी अगेन दिज बेगिंग चिल्ड्रन देयर लेखिका बच्चों के साथ दरवाजे पर पहुंचे नाउ लास्ट टाइम शी डीन सी द चिल्ड्रन द राइटरस राइट्रथरस

उनमें से बड़ी लड़की का नाम ईटा इन दोस द एल्डर गर्ल ईटा। ईटी ईटी। छोटी बहन का नाम सीटी सेकंड सिस्टर नेम वास सीटी और भाई का नाम प्रेमा था एंड ब्रदर नेम बॉस प्रेमा उनके माँ बाप जेल में थे डेढ़ पेरेंट्स वर इन जेल उनकी माँ के साथ उनका एक छोटा भाई भी जेल में था Along um, with her mother, with their mother, and uh, their uh, small boy also in the jail itself. She felt very bad knowing that their parents were in jail and these uh, orphan children uh, roaming around begging the. मनी फ्रॉम फ्रॉम ईच होम लेट मी से मीन्स दिपे पिटी फॉर द दर्फन चिल्ड्रन सीइंग देम बेकिंग आउटसाइड द स्ट्रीट्स विथआउट पेरेंट्स लव एंड केयर वे तीनों बच्चे जेल में पास वाले नाले के पुल के नीचे रहते थे दिस ऑर्फन चिल्ड्रन लिव अंडर द ब्रिज ड्रेन नियर जेल इट लेखिका के बच्चों ने उनको कपड़े आदि दे। द राइट्रेस चिल्ड्रन गिवन सम समोज टू दर्फन चिल्ड्रन बेग् चिल्ड्रन लेखिका इस बीच में सत्याग्रह में शामिल होकर जेल गए मेन वेल इवन द राइट्रेस आल्सो पार्टिसिपेटेड टू पार्ट इन सत्याग्रह मोम एंड बेन जेल उनकी सबसे छोटी बेटी मुनी उनके साथ ही गई राइट्रेस स्मॉल गर्ल ऑल्सो बेट टू जे अलग विथ हर मदर लेखिका की सेवा में सेवा के लिए दो साधारण कैदी स्त्रियों को लगा दिया गया टू सर दिस टू कॉमन फीमेल बिजनेस असाइंट टू फीमेल प्रिजनर्स वर आसाइन टू लुक आफ्टर टू सर्व द राइटर्स लेखिका की सेवा में तैनात औरतों में से एक प्रौढ़ थी इन दो अपॉइंटेड फीमेल प्रिजनर्स वन वॉज अडल्ट उसके गोद में एक बच्चा था इन्हर लैब दरवाजे किड उस औरत का नाम लखिया था हर ने वास लिख्या वह सब काम लगन के साथ करती थी शी ईज टू डू द वर्क विथ फुल ऑफ डेडिकेशन एवरी वर्क शी ईज टू डू विथ फुल डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट और लेखिका के बच्चे को भी अपने ही बच्चे जैसा देखभाल करती थी एंड शी ईज टू एंड शी लाउस राइटरेस बेबी जस्ट लाइक हर ओन बायोलॉजिकल बेबी शीस्ट टेक केयर ऑफ द गर्ल ऑफ राइटर राइट्रेस जस्ट लेख रे वोन डॉटर लेखिका को बाद में पता चला कि पोलिस को मारने के कारण लखिया को जेल भेजा गया है लेटर शिकेमो दैट लखियाजेंट फॉर किलिंग ए पोलिस मैन इस पर लेखिका अंदाजा लगाती है कि लखिया उनके घर आने वाले उन तीन बच्चों की माँ है द शी गेस दैट द शी द मदर ऑफ दो चिल्ड्रन थ्री चिल्ड्रन हु टू टू कम हर होम डेली उनके लेकिन लेखिका लखिया से कुछ पूछने का साहस ना जुटा पाई बट शी वॉज नॉट डेर इनफू चिल्ड्रन ये दिन खूब मुसलदार बरसात हुई वन डे दर वॉज रेन अगले दिन समाचार पत्र में खबर आई कि जेल के पास के नाले में तीन गरीब बच्चे बह गए इन द नेक्स्ट डे देर वाज़ ए न्यूज इन द न्यूज़पेपर दैट थ्री चिल्ड्रन वर वाश अवे इन ड्रेन नियर द जेल वे गाकर भीख मांगा करते दे देस टू बैग सिंगिंग साग्स उनकी लाशें मिले देर वाडिस वर फाउंड लेखिका के सामने उन तीनों बच्चों के चित्र खींचाए बेन शी रेड दिस न्यूज इन द न्यूज पेपर इमीडिएटली दो आर्फन चिल्ड्रंस फेस इनोसेंट फेसेस केम इन फ्रंट ऑफ हर साइट द अपियर बिफोर हर इन फ्रंट ऑफ हर उन्होंने जबरदस्ती अपने आंसू को रोक लिया बट समो विथ फोर्सफुली शी कंट्रोल हर टीयर्स लेखिका ने लखिया से उसके बच्चों के बारे में पूछा ना हो शेस्कर दे आस्कर लख्या अबाउट हर चिल्ड्रन लखिया ने लेखिका के बच्चे को ही अपनी बच्ची कहा बट लख्या टोट आथरस गर्ल इज हर ओन गर्ल लेखिका ने जेल के बाहर रहने वाले उनके बच्चों के बारे में पूछा तो लखया ने कहा बेन शे आस्कर अबाउट द चिल्ड्रेन हु आर आउट ऑफ जेल हु आर लिविंग आउट ऑफ जेल Uh, लखट टोल तो भगवान के हैं देवर चिल्ड्रन ऑफ गाड इस तरह कहानी समाप्त होते इन दिस वे द स्टोरी गेट्स एंड नाउ सी हाउ ब्यूटिफुल ट्रेजिक डेथ ऑफ दिस थ्री स्मॉल इनोसेंट चिल्ड्रन वाट रंग दे दस द पोएट the poetess as well as the writers given the beautiful description of the fam of a family whose life is fully scattered. Parents Benjamin and children left on the streets for begging. At last they died on the street itself. Here what we come to know is that during the freedom fight not only great leaders but also each and everyone, even the civil people um, um, old, young kids, children, everyone suffered a lot. Now many children died, many young youth died, um, old people. Everyone died. That means all participated in this one. Everyone suffered. All suffered during the freedom struggle. At last, we got the freedom. So now our duty is to protect our freedom. We should not give chance. नैक्स्ट टीम टू एनी वन दिस् बोली द माई टिकस्ट आज वेल एस दसप्ट ऑफ दिस स्टोरी सपोर्ट इफ्फ आर सैटिफेड एक्प्लेशन डोट फर्ग सब्सक्राइब माइ चल क्लिक प्रेस दिल ऐसा शेयर द फ्रेंड्स एंडवे टेल दू टेक अफर से हेब नक्स्ट टाइम बाय बाय जहिंद अल्लाह हफी